बख्तियारपुर नगर परिषद से भावी सभापति उम्मीदवार पवन कुमार ने नामांकन पर्चा भरा। नामांकन कराने के बाद पवन कुमार ने युवाओं को रोजगार देने और बख्तियारपुर में विकास करने की बात पर जोर दिया। किया सर इस बार सबसे पहले बख्तियारपुर का विकास, सबसे बड़ा मुद्दा मेरा ये है कि बख्तियारपुर को हम विकास कैसे कर सकते हैं। जितना जोर लगाना हो लगा देंगे, बख्तियारपुर का विकास करेंगे। नली हो, गली हो, लाइट हो, बिजली हो, मेडिकल व्यवस्था हो, शिक्षा व्यवस्था हो, सारा ढंग प्रॉपर सिस्टम से किया जाएगा। सारा चीज क्या लगता है अभी तक आप घूमे तो क्या क्या कमी नजर आता है? इतना बख्तियारपुर नगर परिषद में कमी कमी नजर आ रही है। जहाँ भी जाइए नली का व्यवस्था ढंग से नहीं है, लाइटिंग व्यवस्था ढंग से नहीं है, मेडिकल व्यवस्था ढंग से नहीं है, शिक्षा व्यवस्था ढंग से नहीं है, किसी भी चीज़ में बेहतर नहीं है। इतने दिनों से अच्छा सर काम से आप संतुष्ट नहीं है? संतुष्ट नहीं है, यही संतुष्टि काम तो मैं आप रहा है। कई उम्मीदवार हैं सर मैदान में, उन लोगों को किस तरह आप मात देंगे सर? नहीं तो जनता मात देगी ना, हम तो मात देंगे, जनता का आशीर्वाद मिलेगा तो हम मात देंगे। किस पद पर नामांकन किए हैं सर? चेयरमैन पर्सन के लिए। नाम क्या? पवन कुमार। युवाओं के लिए सबसे पहले तो शिक्षा व्यवस्था ढंग से करेंगे, और हमारा एक मेगा स्कॉलरशिप चलता है हमारा, वो हमारा कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि बच्चों लोगों के लिए मतलब एक शिक्षा एक ऐसा चीज़ है, प्रोत्साहन करना मेरा काम होगा। साथ में रोजगार की व्यवस्था करवाएंगे, खेलकूद की व्यवस्था करवाएंगे।